सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं यूट्यूब पर जो कि आपको बताती हैं कि फ्री इंटरनेट आप यूज करिए, अनलिमिटेड, आपको एक भी रुपए का पेमेंट नहीं करनी है और आप बहुत ही आसानी से सऊदी अरब में जैन का या फिर मोबाइल का या फिर एसटीसी की जो भी सिम यूज करते हैं आप उसका इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री, बिना कोई भी पेमेंट दे के। तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं या फिर और भी कोई अदर कंपनियां हैं जिसकी हम लोग ऐसी तैसी करने पर लगे हुए होते हैं, तो क्या वो इतनी बड़ी बेवकूफ हैं कि इतनी बड़ी कंपनी खोलकर और हमको ऐसे ही इंटरनेट यूज करने के लिए दे सकती हैं? यहां तक कि अगर आप देखेंगे कि मोबाइल फोन में अगर मैं कोई भी परमिशन ना दूं तो आप यूज नहीं कर सकते उस मोबाइल फोन को बिना परमिशन की मेरी, यानी कि जैसे कि अगर मैं लॉक लगा दूं या फिर पैटर्न लॉक लगा दूं या फिर और भी किसी तरीके की एक्टिविटी यहां पर मैं सेट कर देता हूं पासवर्ड के साथ में, तो क्या ये मुमकिन है कि आप उसे खोल सकते हैं? नहीं मुमकिन है। हैक करना या फिर अनलॉक करना बहुत ही नामुमकिन है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इस तरीके की जो वीडियो होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है और आपको कैसे कैसे बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर खुश होते हैं या फिर गाली बकते हैं या फिर नाराज होते हैं या फिर आपको लगता है कि मैं कुछ सही बता रहा हूं। अगर आपको लगे सही बता रहा हूं तो लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल का एक छोटा सा इंट्रो। तो आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे कि किस तरीके से इसे हम बता सकते हैं कि किस तरीके से ये सर्विस एक्टिवेट होती है या फिर नहीं होती है। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे फोन के अंदर जो नेट है वो एक्टिवेट है, यानी कि चल रहा है। ऐसा ही कुछ आप सभी लोगों को बताया जाता है जब इस तरीके की फ्री इंटरनेट की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो ठीक है, यहाँ पर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला जो काम होता है वो हम आपको बाद में बताएंगे कि इसे किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको सभी लोग प्रूफ देते हैं, मैं भी आपको कुछ प्रूफ देना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रोम ब्राउजर है, मैं इसे ओपन करता हूँ, ये ओपन नहीं होगा। और उसके बाद मैं आपको YouTube भी ओपन करके दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि ओपन नहीं हो रहा है, यहां पर नो इंटरनेट कनेक्शंस का ऑप्शंस आ रहा है। चलिए प्ले स्टोर को भी ओपन करके दिखा देते हैं या फिर ऐप स्टोर को ओपन करके दिखा देते हैं। तो यहां पर कोई भी सर्विस एक्टिवेट नहीं हो रही या फिर कुछ भी चल नहीं रहा है। तो अब हम इसे ऑन कैसे करते हैं, यानी कि किस तरीके से इसे हम चालू कर सकते हैं, या हमने इसमें ऐसा क्या कमीनापन कर दिया है इस एप्लीकेशन की सेटिंग में जो आपको इंटरनेट यूज करने से रोक रहा है, या फिर हम आगे दूसरे लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेवकूफ बनाते ही जा रहे हैं। इस तरीके के काफी सारे आपको चैनल या फिर वीडियो मिल जाती हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फोन के डाटा को, आप यहाँ पर देखते हैं कि मोबाइल फोन का जो डाटा है आप उस पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद में जो भी एप्लीकेशन आपको बंद करना है, यानी कि डाटा ना यूज करे, उसके साथ में आप नीचे देख सकते हैं बटन ऑन ऑफ का नजर आ रहा है। आपको सिंपली इसी बटन पे क्लिक करना है बंद करने के लिए। तो जिस भी एप्लीकेशंस को आप ऑफ कर देते हैं वो डाटा यूज नहीं करता है, यानी कि वहां पर कोई भी एप्लीकेशंस का डाटा यूज नहीं करेगा जब तक कि हम उसे परमिशन नहीं देंगे कि आप इस एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं इस इंटरनेट की मदद से, यानी कि सिम के नेट की मदद से। तो ऐसे ही कुछ तरकीब लगाकर आप सभी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है, जहां पर मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हद तक इसके बारे में बता सकूं कि आप लोग बेवकूफ ना बन सकें या फिर ऐसी किसी भी एक्टिविटी को फॉलो ना करें। तो यहां पर आपको मैंने दिखाया कि मैं यहां पर क्रोम, यूट्यूब एंड ऐप स्टोर को ओपन करके दिखा रहा हूं, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। तो चलिए अब इसे ओपन करके हम दिखाते हैं। तो सिंपली आपको अपने मोबाइल फोन के डाटा पर जाना है, और वहां पर आप देख सकते हैं कि जो ऑन ऑफ के ऑप्शंस हैं वहां पर आप देखेंगे तो मैंने क्रोम, यूट्यूब एंड जो ऐप स्टोर है उसके डाटा को ऑफ करके रखा हुआ है। तो यहां पर इसी तरीके से जो भी एक्टिविटी होती है वैसी होती है, और इसे ऑफ कर देते हैं तो वहां पर एक्सेस नहीं होता है, जहां पर आपको दिखाया जाता है कि यहां पर कुछ भी इनेबल नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है तो हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब इन बटनों को हम ऑन कर देते हैं दोबारा से, ताकि इंटरनेट एक्सेस कर पाए। और वही सिम लगी हुई है, वही सब कुछ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहले सिम लगी हुई थी वही सिम अभी भी लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनेबल करने के बाद में अगर मैं दोबारा से इसे ओपन करता हूँ तो फटाफट ये सारे के सारे एप्लीकेशन रन होना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आप सभी लोगों को इंटरनेट फ्री में यूज करने की जो सर्विसें हैं वो दी जाती हैं, और आप लोग बहुत ही शौक से उसका इस्तेमाल भी करते हैं, और उसके बाद में
लास्ट में बचता है कि गाली देते हुए निकल जाइए अपने घर को। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ में फेक वीडियो बनाकर किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको बता सकूँ कि आखिरकार ऐसा किस तरीके से हो सकता है, या फिर आप भी अगर बनाना चाहते हैं इस तरीके की फेक वीडियो तो कैसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं या फिर आऊं लाइव तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, और आप वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना